हेलो दोस्तों, मैं हूं रवीन और आज हम आ चुके हैं जयपुर में। और आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर है? क्या आपको पता है कि एक ऐसा महल जो बीच पानी के अंदर है, या आपने ऐसा कोई जगह देखी है जहां पे 100 रानियां खड़े होके वहां के जो मार्केट होती है या फिर वहां का जो बाज़ार होता है वो उसको देखी थी? या फिर आपने क्या देखा है कि एक राजा ने अपनी रानी के लिए एक बहुत बढ़िया शीश महल बनाया? और बहुत सारी चीज़ें। अभी हम जयपुर में हैं और अब जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो को हम अब स्टार्ट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं जयपुर। हम आ गए हैं जल महल पे और जल महल के बारे में आपको अगर जानना है तो इन भाई से बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता। अच्छा, जल महल के बारे में हमें कुछ जल महल के बारे में बताऊंगा। एक तो ये पानी के अंदर देख रहे हो जल महल है। जल महल के अंदर ये 3 मंजिल है। 3 मंजिल के अंदर ये 2 मंजिल पानी के अंदर है, 1 मंजिल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ऊपर दिखाई दे रहा है 2 मंजिल। आप सोचोगे कैसे, ये दलदल में पहले पानी नहीं था, यहाँ बाढ़ का पानी आया था 81 में। कुदरत का पानी वहाँ रुका हुआ है। पहले पब्लिक भी जाती थी अंदर, आज पब्लिक नहीं जाती। स्टार होटल लगा हुआ है, विरोध के चक्कर में यहाँ 7-स्टार होटल बन रही थी। ओके। पहले टिकट भी थी, आज टिकट नहीं है, कोई घुमा नहीं सकता, कोई गाइड वगैरह अंदर नहीं, खाली नाव वगैरह है, सफाई अभियान के लिए जितनी आप देख रहे हो। अच्छा, मतलब अभी पहले ये 5-स्टार होटल बनी थी? हाँ, 7-स्टार होटल बन रही थी। सेवन स्टार होटल बन रही थी। स्टार पब्लिक ने विरोध कर दिया, पहले जाते थे ना लोग अंदर। अच्छा, टिकट भी दिया, टिकट वगैरह सब बंद है, नाव वगैरह सब थी। Okay. आज कुछ भी नहीं है, आज खाली बाहर से देख सकते हो आप जलमहल। Okay. को 3 मंजिल दिखाई दे रही है, 2 मंजिल पानी के अंदर, 1 मंजिल। ठीक है, मैं अभी आपको ना जलमहल दिखाता हूँ क्या है, ये देखो। Okay. ये है आपका जल महल, पूरा चारों तरफ पानी पानी है। और इसकी 2 मंजिल है या एक मंजिल पानी के अंदर है, 1 मंजिल ऊपर दिखाई दे रही है आपको। ये 2 मंजिल इसके पानी के नीचे है और उसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो आपको देख रहे होगे, 1 मंजिल का वो यहाँ पर है। पहले यहाँ पर टिकट्स वगैरह भी लगती थी देखने के लिए। ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यहाँ से आप देखिए। आज ये पब्लिक देख रही हो, मछलियों खाना खिला रही है, वो आटा वगैरह मछलियों को डालती है। काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, नाइस।